चल ओके कर दिया है। ओके सुरेश लिमिटेड हैज परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 63,600 ऑन 1/4/2010। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन वाज इनकर्ड ₹1,000। इफ स्क्रैप्ड वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी ₹14,600 आफ्टर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 8 years डिटरमाइंड एनुअल अमाउंट ऑफ डिस्क्रिएशन एंड एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनी एंड्स ऑन 31st March। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट 3 years एंड सो ऑल्सो प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। शो अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो ये सबसे पहले तो हमें जो इसमें डिप्रिशिएशन की वो वाली फॉर्मूला है ये लगेगी, आपको याद हो तो सिखाइए। डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन। अब E इज इक्वल टू सी, सी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मशीन का कितना होगा बच्चों बताएं? तो कॉस्ट प्राइस में हम परचेस प्राइस और ये इंस्टॉलेशन का खर्चा जोड़ देते हैं, तो 63,600 + 1,000 यानी कि 64,600। ये हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो देखो बच्चों स्क्रैप वैल्यू अगर आपको यहाँ दिख जाएगा, दिख रहा है स्क्रैप वैल्यू है 14,600। डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन था 8 years। तो अब हम करते हैं माइनस, चलो ₹64,600 माइनस 14,600 और जो आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 8, तो 6,250 आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। हाँ इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन में कहा क्या गया है भाई, जर्नल एंट्री लिखना है, फर्स्ट 3 years का मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये इलस्ट्रेशन वन मैंने आपको सिखाया था, जो स्लाइड का ये उसकी कॉपी है। मैंने आपको किया कि यहाँ पर आगे का जो काम है आपको इसके अंदर क्या कहते हैं मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री लिखनी है। हाँ डेप्रिसिएशन से कैलकुलेट होता है, मैंने समझा दिया है। तो आप सारे बच्चों को भी देखो, एक तो पहला फिर ये दूसरा, पहला दूसरा दो सब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, दोनों स्ट्रेट लाइन के हैं, दोनों मैंने आपको सिखा दिए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे सिखा जाऊंगा उस तरह से मैं आपको होमवर्क में भी ये चीजें देता जाऊंगा, कि क्योंकि होमवर्क करोगे और गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है तो आपको कुछ लिखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं लिखोगे कैसे पता चलेगा कि क्या चीज आ रही है क्या चीज नहीं आ रही है। जरूरी है कि आप लिखो, ठीक है? और टेस्ट आज नहीं, टुमोरो है, वही बैंक सिलेक्ट में क्या बोलते हैं BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टुमोरो आपका टेस्ट है, ठीक है? तो कल आपका टेस्ट है, जैसे हर फ्राइडे आप टेस्ट देते हो वैसे ही आपको कल फ्राइडे को टेस्ट देना है।
जिसका मैं चेक करके, जो जो बच्चे टेस्ट लिखते हैं डेफिनेटली हम उसका चेक करके वापस करते हैं। ध्यान में रखना है कि आपको अच्छे से पीडीएफ बनाना है, नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख के सीख लो कि किस तरह से एडोब स्कैन में अच्छे से पीडीएफ क्रॉप करके हम बना सकते हैं, किस तरह से उसको अपलोड करें। एक बार खुद देख लो कि अगर मैं खुद इसको चेक करने बैठूं तो अच्छे से चेक हो सकता है तो ही सर को भेजो, नहीं तो वापस उसको करेक्ट करके अच्छे से भेजो, पीडीएफ बना के भेजो, फोटो मत भेजो। काफी सारे बच्चे अभी भी फोटो भेज रहे हैं एडोब स्कैन में पीडीएफ बना के, वो भी सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टली मत करना, वर्टिकली ही, जैसे फोन हॉरिजॉन्टली होता है वर्टिकली फोन कैसे होता है वैसे खड़ा रखते, सीधा उसी हिसाब से फोटो लेना, टेढ़ा करके मत फोन फोटो लेना, तो मैं अच्छे से लैपटॉप में ही आपके पेपर चेक कर दूं। ठीक है बच्चों, तो कल टेस्ट आपका जो जिस तरह से होता है शेड्यूलिंग मेरा उसी तरह से होता है, मैं नॉर्मली उसमें चेंजेस कम करता हूँ ताकि क्या आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो कल के टेस्ट का टेस्ट है, मिलते बाद में आपको, बाय बाय, टाटा, श्री यू, जय श्री कृष्ण, क्यों भी याद 10 बच्चे इसलिए, बाय सर, बाय सर, अब जो बाय बच्चों।